1 today we have come up with a grammar topic जो है determiners. Determiners English में वो words होते हैं जो precede करते हैं किसी भी noun को. Noun के आगे जो लिखे जाते हैं. In English there are many determiners जिसमें से कुछ हैं a and the जिनको हम articles भी कहते हैं. So these are the articles and then these are the demonstratives. Demonstrators are demonstrators means जो हम कोई किसी चीज को show करते हैं तो हम use करते हैं this that these दोस पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं. देन पजेसिव्स यूज होते हैं जैसे माय आवर योर हिज हर. उसके बाद काउंटर्स यूज होते हैं जैसे मच मैनी मोर मोस्ट लीस्ट फ्यू अ फ्यू द फ्यू लिटिल अ लिटिल द लिटिल देन ऑल ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 1, 2, 3, 4, 9, 100. तो जो वो नाम के आगे हम लिखते हैं वो सारे डिटरमिनर्स हैं. नाउ इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डिटरमिनर्स बेस्ड ऑन आर्टिकल्स. आर्टिकल्स को कवर करेंगे उसके बाद हम करेंगे फ्यू और लिटिल का यूज. फ्यू और फ्यू द फ्यू और लिटिल और लिटिल द लिटिल का यूज करेंगे. नाउ आर्टिकल ए और एन का यूज अगर हम करते हैं तो वो ये आर्टिकल्स हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम जनरली बोले जब बोलने वाले होते हैं एक यानी रेफरिंग टू एज वन. वो एक बहुत बुरा लड़का है तो हमने एक बोल दिया उसे. एक आज एक रुपया मिला तो ही गॉट अ रुपी नोट और रुपी कॉइन. तो इस तरह से जब वन का रेफर करते हैं तो हम ए और एन दोनों का यूज करते हैं. ठीक है तो ये देखेंगे कैसे. ही इज अ गुड डांसर तो यहाँ पे हमने ए आर्टिकल यूज किया है डांसर के लिए. दिस इज यूज नॉट फॉर द एडजेक्टिव बट फॉर द डांसर्स. लेकिन हम इसको लिखते हैं एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली कैसे हम बाद में सीखेंगे. He is a good dancer. वो एक बहुत अच्छा डांसर है. Don't trust him. He is a liar. उस पे भरोसा मत करो. वो एक झूठा इंसान है. तो एक एक जहां भी आता है वहां पे हम ए और एन का यूज करते हैं. My father is a doctor. मेरे फादर एक डॉक्टर है. She is an average student. वो is एक average student है. She is not that smart. Average student. Then Neha is an artist. Neha एक artist है. तो यहाँ जहां भी हम वन बोलेंगे वहां हम सब जगह ए और एन का यूज करेंगे. नाउ ए और एन के यूज में कहीं कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं. वैसे तो हम बचपन से सीख के आए कि ए आई यू का साउंड होता है उसके आगे हमको एन लगाना है और जहाँ ए आई यू का साउंड नहीं है उसके आगे हमको ए लगाना है. लेकिन बच हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं विथ नेशनैलिटीज और रिलीजन्स. केट इज एन अमेरिकन. वो एक अमेरिकन है तो केट इज एन American, then I am an Indian. मैं एक Indian हूँ. ये सब बता रहे nationalities. Then his father is a Catholic. ये religion है. तो कोई religion हो. I am a Hindu. She is a Christian. तो जब nationality बताएंगे या religion बताएंगे तो उनके आगे ये और एन लगाएंगे. It is an African bird. वो एक African bird है. ठीक है तो नेशनैलिटी के आगे या किसी भी धर्म के कोई इंसान हो उसके आगे हमको ए और एन का यूज करना है. कंफरिंग टू सम क्वालिटीज ऑफ सम ग्रेट पर्सनालिटीज ऑन कॉमन मैन. किसी कॉमन मैन को हम किसी और के रूप में बताते हैं तो उस केस में हमको ए और एन का यूज करना है. ही थिंक्स ही इज ए नेपोलियन. वो ऐसा सोचता है कि वो एक नेपोलियन है. मतलब वो नेपोलियन की जितना बोल्ड इंसान है. देन मिहिर इज ए सलमान ऑफ आवर सोसाइटी. वो हमारे वहां का सलमान खान है. तो वो हम वहां पे हम एक नहीं लगा रहे लेकिन क्योंकि हम इस इंसान की क्वालिटी इसके अंदर कन्फर कर रहे हैं. इस इंसान को इसके रूप में अज्यूम किया जा रहा है और इसीलिए हम वहां पे ए और एन का यूज करेंगे. शी इज एन ऐश्वर्य राय ऑफ कॉलेज. यानी वो इतनी ब्यूटीफुल है कि वो एक ऐश्वर्य राय के रूप में है तो हमने वहां पे एन लगाया. शी इज एन ऐश्वर्य राय ऑफ आर कॉलेज. लाइक दिस दीज आर आर्टिकल्स आर यूज. अब हम ए और एन का यूज स्पेसिफिकली देखेंगे कि कोई छोटी जो माइनर मिस्टेक्स हो जाती है वो कहाँ होती है. सो हियर आर सम केसेस वेयर वी कैन मेक सम एरर्स. हम मिस्टेक्स कर सकते हैं ए और एन के यूज में. इट इज ए वन एक्ट प्ले. ये एक वन एक्ट प्ले है यानी इसमें एक ही एक्ट है. यहाँ पे हमने जो स्टार्ट किया है वो ओ है. वॉवल से स्टार्ट हुआ लेकिन जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है तो इसका स्टार्टिंग साउंड देखा जाता है. वो साउंड होना चाहिए हमारे स्वर का साउंड जो अ आ ई ई जो हमारे जो 12 स्वर होते हैं वो स्वर का साउंड अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे नहीं तो हम ए ही लगाएंगे. इसका मतलब आपको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं हमको पता नहीं तो उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो हमको ऐसे कुछ फ्यू वर्ड्स हैं वो
पढ़ लेने चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन सीख लेना चाहिए. इट इज ए वन एक्ट प्ले. तो वन वर्ग जब इसको बोला जाता है तो वर्ग का स्वर आता है. व एक स्वर नहीं है, व्यंजन है, और इसीलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा, ए लगेगा. शी इज एन एम ए. एम इज वो म का स्वर नहीं स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसको बोला जाता है तो एम ए से स्टार्ट होता है. दैट इज अ वॉवल साउंड, इसलिए वहां पे एन लगेगा. माय फादर इज एन एल एल बी. सेम हियर, जब इसको बोलते हैं तो एल एल बी यानी ए से स्टार्ट होता है, इसलिए एन आएगा. इट इज ए यूजलेस कार. ये एक यूजलेस कार है. अब यहाँ पे यू है, लेकिन इसका जो बोलने का प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग साउंड है वो य का है. य का होने की वजह से वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड नहीं है. दैट इज वाई विल नॉट बी यूजिंग एन. She is an honest lady. वो एक honest lady है. ये H से start हो रहा है, जब इसको बोला जाता है तो O का स्वर होता है. Honest. तो वो जो हमारा स्वर का sound होता है, इसी वजह से यहाँ पे N लगाएंगे. I need half a cup of water. अब ये यहाँ पे half a cup. यहाँ जो हम mistake generally करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं I need a half cup of water. A half cup of नहीं होता, half a cup of होता है. ठीक है? या अगर वन दिया है तो वन एंड अ हाफ कप ऑफ वाटर, इस तरह से ये बोला जाता है. हिज फादर इज एन ऑनररी मैजिस्ट्रेट. हिज एन ऑनररी मैजिस्ट्रेट. अब यहाँ पे एच है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है तो ऑनररी यानी ओ का स्वर आता है, और वो जो ओ है वो एक स्वर है, कॉन्सोनेंट नहीं है, और इसीलिए वहां पे एन लगेगा. दे टुक ए यूनैनिमस डिसीजन. सेम हियर, यू यू है, लेकिन इससे जो बोला जाएगा यूनैनिमस यर से बोला जाता है, और इसीलिए दे टुक ए यूनैनिमस डिसीजन आएगा. एन यूनैनिमस नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो साउंड है इसका बोलने का वो स्वर नहीं है, व्यंजन है. आई एम हाफ एन आवर लेट. हाफ एन आवर लेट, मैं आधा घंटा लेट हूँ. तो आवर के आगे एन लगेगा. ये एच है, एच है, लेकिन फिर भी जो बोला जाएगा तो आवर बोला जाएगा और आवर बोला जाएगा, और इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि आवर यानी आ का स्वर है, और दैट इज द कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड. नाउ ही इज ए बी ए. अब ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है, बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन जब इसको हम बोलते हैं तो बी ए यानी ब से स्टार्ट होता है, और ब कॉन्सोनेंट होने की वजह से यहाँ पे ए आएगा. ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एयर एन का यूज करने में. अदरवाइज जहाँ पे हम एक बोलते हैं वहां ज्यादातर ए का यूज होता है. ओके, नाउ वी विल सी द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द. ये जो ए और एन है उनको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी जिसको हम जो जन इन जनरल कहीं पर भी हम एक लगाते हैं वहां पे उनको लगा देते हैं. द एक डेफिनेट आर्टिकल है, और इसको हम कहां यूज करते हैं, लेट अस सी. अब हम सीखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज. द इज यूज बिफोर नाउन फॉर डेफिनेट थिंग्स. जैसे अगर किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें, हमको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी चीज के बारे में, कौन से इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस पे हम द का यूज करते हैं. जैसे हमको पता है वो गरीब इंसान की रहते होगी, हमको मालूम है कि कौन सा इंसान था वो, तो हम बोलेंगे द पुअर मैन इज डाइंग. क्योंकि आपको भी पता है, सुनने वाले को भी पता है कि कौन सा पुअर मैन है. बहुत सारे पुअर मैन है, लेकिन हम किस पुअर मैन की बात कर रहे हैं, तो वो इन पर्टिकुलर होता है. इसलिए इस आर्टिकल को डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं. तो उस केस में हम द का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे. हिंदी में भी बोलते हैं हम एक नहीं लगाएंगे, हमसे ये कहते हैं बेचारा गरीब इंसान की डेथ हो गई. अब हमको अगर कोई भी इंसान की डेथ हो गई है तो हम ए लगाते हैं उसके आगे कि एक इंसान मर गया, पर हम यहाँ पे जब हिंदी में बोलते हैं तो उसके आगे एक नहीं लगाते. तो हम अगर एक नहीं लगाते तो इसका मतलब ये है कि हम किसी डेफिनेट के बारे में बात कर रहे हैं, और तभी हम द का यूज करते हैं. द फैन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. यहाँ पे हमने द लगाया क्योंकि हमको पता है कौन सा फैन काम कर नहीं कर रहा है, हम उसके बारे में जानते हैं, हम भी जानते हैं, सुनने वाला भी जानता है, इसलिए हमने द लगाया. आई फाउंड अ कॉइन. अब यहाँ पे एक और चीज बताइए, थिंग्स रिकॉर्डेड अर्लियर एडवांस. पहले सेंटेंस में, अगले वाले सेंटेंस में किस चीज के बारे में बताया हुआ, ये आगे हम किस चीज की बात करें. जैसे हम स्टोरी लिखते हैं तो देयर वाज अ लायन, द लायन वाज वेरी हंग्री. तो पहले हमने ए लगाया, लेकिन आगे हम चलेंगे और जैसे जैसे चलते जाएंगे, अगर फिर से हमने कहीं लायन का नाम यूज किया है तो हम उसके आगे द लगाएंगे. सेम हियर, आई फाउंड अ कॉइन. मुझे एक कॉइन मिला, यहाँ पे हमने ए लगाया, लेकिन द कॉइन यहाँ पे हमने द लगाया क्योंकि हमको पता है हम किस कॉइन की बात करते हैं, इसके बारे में आगे बताया हुआ है. ठीक है, रेफर किया हुआ, रेफरेंस दिया हुआ है. बिफोर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स. यूनिक थिंग्स वो चीजें होती है जो इस दुनिया में एक ही होती है, इसके जैसी और कोई होती नहीं. समथिंग यूनिक ऑफ इट्स ओन काइंड. समथिंग यूनिक मतलब ऐसी कोई चीज जो दुनिया में एक ही है, उसके जैसी और कोई है ही नहीं. द स्टार, द मून, तो उसके आगे हम द लगाएंगे. द
माउंटेन रेंजेस। अब ये इतनी सारी चीजें हैं और इन सब के नाम के आगे आपको द लगाना ही है, माउंटेन रेंज के नाम के आगे, देन द एल्प्स, द हिमालयस। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको ये चीज याद रखनी है, कहेंगे कुछ स्टार एस्ट्रिक्स बनाए हुए, इसलिए बनाए क्योंकि वहां पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस की बात की हुई है, किसी सिंगल माउंटेन की नहीं। अगर कोई सिंगल माउंटेन है जैसे माउंट आबू, तो माउंट आबू पूरे अरावली रेंज जो है, अगर अरावली रेंज की बात करोगे तो आप घर लगाओगे क्योंकि दैट इज अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। लेकिन सिर्फ एक माउंटेन की बात है, माउंट आबू एक अकेला माउंट है, एक अकेला माउंटेन है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उस केस में आप द नहीं लगाओगे, माउंट आबू के नाम के आगे द नहीं लगेंगे। यानी सिंगल माउंटेन होगा तो उसके नाम के आगे द नहीं लगेगा, सिर्फ रेंज यानी चेन होगी तो द लगेगा। ओशंस के नाम के आगे, सारे के सारे ओशंस, जितने भी ओशंस हैं उन सबके नाम के आगे द लगता है। द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, ठीक है, द अटलांटिक ओशन, देन रिवर, सारी रिवर्स के नाम के आगे, चाहे वर्ल्ड में किसी भी जगह की रिवर हो, रिवर के नाम के आगे द लगेगा, द गंगा, द नाइल, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। हाँ, यहाँ पे भी एस्ट्रिक बना हुआ है क्योंकि सिर्फ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स होते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है तभी हम उसके नाम के आगे द लगाएंगे, अगर वो सिंगल आइलैंड होगा तो नहीं। जैसे द निकोबार आइलैंड, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और इसीलिए उसके नाम के आगे द लगेगा, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, इनके नाम के आगे हम द लगाएंगे क्योंकि दे आर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। कुछ होते हैं सिंगल होते हैं, जैसे जावा है, सुमात्रा है, सिसिली है, ये सिंगल आइलैंड्स है, तो ये इनके नाम के आगे हम द नहीं लगाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कौन से ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है और कौन से सिंगल आइलैंड, ये तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, अपना एक मार्क आपका जा सकता है। देन रिलीजियस बुक्स आए, किसी भी रिलीजन की हो, कहीं की भी हो, उसके नाम के आगे हमेशा द लगाना है, द बाइबल, द गीता, द रामायण, द कुरान। देन ट्रेन्स के नाम के आगे, सारी ट्रेन्स के नाम के आगे द लगाना है, द अरावली एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ओके, देन द शताब्दी एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपर, किसी भी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हो उसके नाम के आगे द लगेगा, द इंडियन एक्सप्रेस, द राजधानी, सॉरी, द इंडियन एक्सप्रेस, द राजस्थान पत्रिका। देन डेजिग्नेशन, सारे डेजिग्नेशन के आगे, डेजिग्नेशन होता है पोस्ट, अगर किसी पोस्ट की हम बात करें, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द मॉनिटर, तो वो डेजिग्नेशन है, द एडिटर, द डीईओ, द कलेक्टर, सबके डेजिग्नेशन के नाम के आगे हमेशा आपको द लगाना ही है। उसके बाद कैनल्स के नाम, द सुएस कैनल, कोई भी कैनल हो, द इंदिरा गांधी कैनल, तो सबके नाम के आगे आपको द लगाना है। देन बेज के, जो खाड़ियां होती है, जो छोटे समुद्र होते हैं, द बे ऑफ बंगाल एग्जाम्पल दिया है, शिप्स, द टाइटैनिक, द विक्रांत, कोई भी शिप के नाम के आगे द लगाना है। डायरेक्शंस, द ईस्ट, द वेस्ट, यहाँ फिर से एस्ट्रिक किया हुआ है ये बताने के लिए कि अगर ये डायरेक्शन का नाम किसी स्पेसिफिक जगह के नाम के बाद, इसके बाद कोई स्पेसिफिक जगह का नाम आता है, जैसे साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पे आप द नहीं लगाओगे कि डायरेक्शन का नाम था तो हम द लगा दिए, नो, यू विल गेट रॉन्ग, वहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आप वही यही चीज लिखोगे वहां पे, वेस्ट बंगाल, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, वहां पे आर्टिकल आपको द, ए, एन कुछ नहीं लगाना है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको द के बारे में याद रखनी थी। कुछ केसेस रह भी गए हैं यहाँ पे, जैसे डेजर्ट्स के नाम के आगे, डेजर्ट्स के नाम के आगे हमेशा आपको आर्टिकल लगाना है, द सहारा, जैसे सहारा डेजर्ट है तो द सहारा, ठीक है, द थार, जितने भी डेजर्ट्स के नाम है सब डेजर्ट्स के नाम के आगे आपको द लगाना है। देन उसके बाद एक और केस रह गया, नेशनलिटीज के आगे या रिलीजन्स के आगे, अभी पहले मैंने देखा था ए लगाया था तो वो सिंगल था इसलिए ए हिंदू, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो उस केस में हम लगाएंगे द, तो हम इसलिए लिखते हैं यहाँ पे नेशनलिटीज के नाम के आगे, बिफोर नेम्स ऑफ नेशनलिटीज और रिलीजन्स, तो द हिंदूज, द इंडियंस, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस है तो एन नहीं लिख सकते, यहाँ पे एन इंडियन नहीं लिख सकते क्योंकि ये बहुत सारे हैं, वो तो सिर्फ एक के लिए आता है, ठीक है, द मुस्लिम्स, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, उस केस में हमको ए नहीं लगाना है, द लगाना है, ओके। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द आर्टिकल द, आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल द कहाँ का यूज होता है। नाउ लेट अस लर्न द यूज ऑफ टू मोर डिटरमिनर्स, दैट इज फ्यू एंड लिटिल। अब फ्यू का यूज कहाँ होता है, नॉट एनी, नॉट एनी मतलब एक भी नहीं,
ये नेगेटिव सेंस में इनका यूज होता है। जब आप किसी भी चीज जगह आपके पास कुछ है ही नहीं, आप नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, उस केस में आप डोंट हैव के बदले फ्यू का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक भी केमिस्ट्री की बुक नहीं है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई डोंट हैव एनी केमिस्ट्री बुक, आप क्या बोलोगे आई हैव फ्यू बुक्स ऑन केमिस्ट्री। मतलब आप अगले को ये बताना चाहते हो कि मेरे पास बिल्कुल निग्लिजिबल नंबर में बुक है और है शायद है भी नहीं एक भी। तो नॉट एनी जनरली दिस इज अ नेगेटिव सेंस। ही हैज अ फ्यू रुपीज, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, ही हैज फ्यू फ्यू रुपीज या आई हैव फ्यू इंग्लिश, आई हैव सीन इंग्लिश फ्यू इंग्लिश मूवीज। अब ये दोनों ही नेगेटिव है। ये बोलना चाहता है ही हैज फ्यू रुपीज मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल, ही डोंट हैव एनी रुपीज, एक भी पैसा एक भी रुपया नहीं है। आई हैव सीन फ्यू इंग्लिश मूवीज, मैंने देखी नहीं है मतलब निग्लिजिबल देखी नहीं, एक भी इंग्लिश मूवी नहीं देखी। आप ये नहीं कहना चाहते कि मैंने एक भी नहीं देखी, आई हैव नॉट सीन एनी इंग्लिश मूवी, तो उस केस में आई हैव सीन फ्यू इंग्लिश मूवीज। ठीक है, तो ये फ्यू का यूज है कि बिल्कुल नहीं, जब आपके आपको कहना चाहते हो कि आप एक भी नहीं है तो उस केस में आप काउंटेबल नाउंस के आगे फ्यू का यूज करते हो। और फ्यू का यूज होता है वेरी लेस इन नंबर, बहुत थोड़े थोड़े से, तो नॉट सफिशिएंट नॉट इनफ, जितना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा। He has a few rupees, उसके पास थोड़े ही पैसे हैं, थोड़े ही रुपए हैं। He has a few rupees. I have seen a few English movies. ये नहीं कह रहा कि मैंने एक भी देखी नहीं, मैंने देखी है थोड़ी सी इंग्लिश मूवीज मैंने देखी है। तो ये है थोड़े, ये कहना चाहता है थोड़े से, और ये कहना चाहता है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, देन he had spent of the few rupees he had on his child's education. अब यहाँ ये यूज आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये कहना चाहते हैं कि पहले से थोड़े थे और है जितने कि सारे के सारे, मतलब उसके पास पहले ही थोड़े पैसे थे और जितने थे वो सारे के सारे उसने अपने बच्चे की एजुकेशन पे लगा दिए। तो he had spent the few rupees he had, जो थोड़े से पैसे उसके पास थे वो सारे के सारे उसने अपने बच्चे की एजुकेशन पे लगा दिए। इस सेंटेंस का ये सेंस है। The few English movies I have seen are all horrors. मैंने पहले ही बहुत थोड़ी इंग्लिश मूवीज देखी है और जो थोड़ी सी इंग्लिश मूवीज देखी है वो सारी के सारी में से एक भी, मैंने पहले ही बहुत थोड़ी इंग्लिश मूवीज देखी है और जो इंग्लिश मूवीज देखी है थोड़ी सी वो सारी की सारी हॉरर मूवीज है। ठीक है, यानी द फ्यू का यूज हम कब करते हैं कि थोड़े से लेकिन जो है वो सारे के सारे, ये होता है ऑफ यू का यूज, मतलब थोड़े से और ये बिल्कुल नहीं। ठीक है, नोट दिस डाउन एंड देन वी विल सी द यूज ऑफ लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल ये एक और डिटरमिनर है जो यूज होता है थोड़ा के सेंस में। अब ये कहां यूज होता है, तो जैसे जैसे फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउंस के आगे, ऐसे ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउंस के आगे। अनकाउंटेबल नाउन होता है और आप बोलना चाहते हो थोड़ा थोड़ा सा, तो उस केस में हम लिटिल का यूज करते हैं। लिटिल और लिटिल द लिटिल का वही सेंस में यूज होता है जैसे फ्यू ऑफ यू और द फ्यू का होता था। लेट अस सी हाउ द ओल्ड लेडी हैड लिटिल मनी, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि उसके पास पैसा है ही नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट हैविंग एनी मनी। अब देखिए आप रुपीज थे तो हमने फ्यू का यूज किया क्योंकि रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं, मनी काउंट नहीं होते, वेल्थ काउंट नहीं होती है और इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं, उनके आगे हमेशा लिटिल आता है। रुपीज जो है वो काउंटेबल नाउंस होते हैं और मनी जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऐसे ही वीट है, राइस है, ये अनकाउंटेबल्स में आते हैं, भले ही हमको दानों को गिनते हैं लेकिन नॉर्मल वे में दानों को गिनते नहीं है, तो वीट आया राइस आया इनके आगे भी उनको भी आपको अनकाउंटेबल नाउंस में ही काउंट करना है। सो मनी इज अनकाउंटेबल, ये कहना चाहते हैं द ओल्ड लेडी हैड लिटिल मनी, उसके पास पैसा है ही नहीं, नॉट एट ऑल, शी इज नॉट हैविंग एनी मनी। ठीक है, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, लिटिल मिल्क इन द जग मतलब दूध है ही नहीं, जग में बिल्कुल दूध है ही नहीं। सो नेगेटिव है, जैसे जैसे हमने लास्ट में देखा था कि फ्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, जब नहीं हो बिल्कुल भी कोई भी काउंटेबल चीज आपके पास में तो आप फ्यू का यूज करते हो, ऐसे अनकाउंटेबल चीज आपके पास में कुछ नहीं है तो आप लिटिल का यूज करेंगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे देयर इज नो मिल्क इन द जग, जग पूरा खाली है, तो आप वहां पे लिटिल यूज कर सकते हो, देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग मतलब है ही नहीं बिल्कुल दूध। देन फिर ये यूज है आपके यहाँ और लिटिल का, और लिटिल का यूज कहाँ होता है, तो जैसे आप अ फ्यू का यूज करते थे थोड़ा सा, नॉट इनफ,
जितना चाहिए उतना नहीं है पर है थोड़ा सा, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो हम ए लिटिल का यूज करते हैं। ओल्ड लेडी हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े से पैसे थे, ठीक है, जितने उसके जरूरत थी उतने नहीं थे लेकिन थे, थोड़े से थे। देन देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध था, या इज है तो है, जग में थोड़ा सा दूध है, प्रेजेंट टेंस है, ओके। देन इस तरह से द लिटिल का यूज कहां पे होगा, जैसे आप द व्यू का यूज करते थे वैसे ही द लिटिल का यूज करना है। द ओल्ड लेडी हैड लॉस्ट द लिटिल मनी शी हैड, ओल्ड लेडी के पास जितने भी पैसे थे थोड़े से, उसके पास पहले ही बहुत थोड़े से पैसे थे और जो थे वो सारे के सारे गुम हो गए, ठीक है। द ओल्ड लेडी हैड लॉस्ट, वो खो चुकी थी, ठीक है। द ओल्ड लेडी हैड लॉस्ट द लिटिल मनी शी हैड, उसके पास पहले ही बहुत थोड़े पैसे थे और जो थे वो सारे के सारे उसने गंवा दिए थे, चले गए थे, गुम हो गए थे। देन द मेड हैड स्पिल्ड द लिटिल मिल्क दैट वाज इन द जग, जग में पहले ही बहुत कम दूध था और जो थोड़ा था वो सारा का सारा मेड ने गिरा दिया, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से आपको यूज याद करने हैं व्यू और लिटिल के, स्पेसिफिकली याद करें बिकॉज इसमें मिस्टेक्स बहुत होने के चांसेस होते हैं। टुडे वी हैव डन द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड द यूज ऑफ द डिटरमिनर्स, टू मोर डिटरमिनर्स दैट इज व्यू एंड लिटिल। आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटरमिनर्स। हैप्पी लर्निंग।